बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एनालिसिस रूम। आउं यहां लैला निसार। नाज़रीन, थोड़ी देर अग में तमा लाइव दिसी रहा हुआ त पार्लियामेंट हाउस में मुस्लिम लीग नून जो पार्लियामेंट्री पार्टी से इजलास थी रहा हो, जैंखे नून लीग जा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ए सदर नून लीग ए बो नामजद जी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब खिताब कर रहा हुआ। सो शहबाज शरीफ साहब तो जी तो काफ़ी खैर थोड़ा सो जज्बाती खिताब असा के नजर आयो है। हूँ चवन पाया तो भुट्टो के फाही डनी वही ए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के भी शहीद किया वो। सो उन टाइम के जी एच क्यू दे आंगुर खड़ी करे कोन गालायो बे पासे नवाज शरीफ साहब के कूड़न केसन में फासाए वो। नवाज शरीफ साहब की जैसे गाल क्यों तो मोटरवेज से उन्होंने जी सो खिताब हो उन तरफ तमाम घो फोकस्ड अस नजर आया। जी तो सुबाने तवा के खबर आए असी कल भी इन बाबत गाल कई हुई से सदरे पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब कौमी असेंबली जो इजलास सदाने वाली जी समरी आए उनके रद्द कर छोड़ो है। सुबाने जी तो सेक्रेटरीट के यो चाहिए सेक्रेटरीट ही पैंजो इजलास सुबाने तलब किया है, यानी सुबाने कौमी असेंबली जो सोरहों इजलास थियण वने पो उनमें जी नवा चूंडियल अराकीन आहिन उहे जी मुंतखब थी चुका है उहे सुबाने हलब खणंदा। अज जदें त खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ए बलोचिस्तान असेंबली में भी जो नौ मुंतखब अराकीन आन उन हलफ खणी वरतो है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जर असी गाल क्यों तो तमाम घणो शोर शराबो नजर आयो, जैमें जी सोबिया शाहिद आए नू लीग से ताल्लुक रखे थी वो जी एंटर थी तो एक तो उन घड़ी कढ़ी कर वॉच जी आए लहराने लगी उत मौजूद मू आया उन्होंने ढेखारण लगी ए वापसी में रिक्शन में असा के यो भी नजर आयो तमाम शदीद इन गाल के असि यो चई सूँ तमाम शदीद किस्म जो रिएक्शन काफ़ी भगदड़ असा के नजर आई जिन जिन मानों वट पासिस न भी हुआ वो भी उतरे गैलरी में वेहन की भरपूर कोशिश कन पाया उनमें लगभग कामयाब भी थी वाया। काफ़ी कंजस्टेड किस्म जो माहौल असा के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नजर आयो ए न सिर्फ एतरो पर सोबिया शायद से जूतो ए लोटो भी उछलाया वो तो हि रिवाज आखिर सियासत में कद करो कदें ही शूं खत्म थी। सो एक पास पार्लियामेंट्री इजलास हो नू लीग जो थोड़ी देर अग में लाइव दिसो पाया अब पास अज ही प्रोविंशियल असेंबलीज में जो सूरत हाल खास कर खैबर पख्तूनख्वा में उन भी असा के डिस्कशन करनी है तो आखिर यह रिवाज सियासत में कदें खत्म थी। ये टे तरफ एक बड़ो ट्विस्ट अची वो है सुन्नी इतिहाद काउंसिल जो जो मामलो हले पो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मखसूस सीट्स वो जैसी अज समात जैसी अज हियरिंग भी थी बुधनी भी थी उनमें ट्विस्ट नाजरीन कुछ यो आयो है त इलेक्शन कमीशन जानायो त थोड़ी छवी फेबरवरी से सुन्नी इतिहाद काउंसिल खत लिखी छो इन खत में उन्होंने जाहिर किया तो असें मखसूस नशिस्तू मखसूस सीट्स न खपन छो तो असा पार्टी आयो जिन इलेक्शन कंटेस्ट कई न का सीट अस है तो असें छो मखसूस नशिस्तू मिलन घुर्जन जैसे तो सुन्नी इतिहाद काउंसिल के वकील खत की बुनियाद से उनके आइनी हक का महरूम नो कर सकते यो सुन्नी इतिहाद काउंसिल के वकील चवण है। जैसे तो उत हियरिंग के दौरान बैरिस्टर अली जफर जो पीटीआई से ताल्लुक रखन था त उन्हें इन खत की का खबर को हाँ ट्विस्ट अची वो खत अची वो है एक पास मखसूस नशिस्तू उन मिलन वन पन इन काफ़ी चांसिस जाहिर दिखारा वन पाया तो उन्हें मिली सघन पों काफ़ी चांसिस उनके फेवर में हुआ पर हाँ ही खत सामू अची वो है तो एक पार्टी जो इलेक्शन न कंटेस्ट कई है न उन का सीट आए हाँ मखसूस नशिस्तन जो मामलो तो यो मिलन ठीक है आइनी तौर से या न इन भी अस डिस्कशन करो है। सुबह गुड स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर साफी तजिया निगार मोहसिन बबर साहब। मोहसिन साहब सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्टूडियोज ए थोड़ी देर में फ्याज नायद साहब सीनियर साफी तजिया निगार भी असें जॉइन करना जी ऑलरेडी असा गुड मौजूद हैं। सो सलाम वालेकुम फ्याज साहब, सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, इन्हीं के भलीकार चवान की प्रोग्राम में शुरुआत जो है पार्लियामेंट्री इजलास का करे वो तो नून लीग जो हो पार्लियामेंट हाउस में उनके खिताब कर रहा हुआ। फ्याज साहब तुम्हारी इजाजत का शुरुआत मोहसिन साहब का करे वो तो मोहसिन साहब नवाज शरीफ साहब हुजन या शहबाज शरीफ साहब खास कर नवाज शरीफ साहब मोटरवेज से तमाम घो फोकस्ड हुआ समूर उनको खिताब हो सिंध में भी रोड रस्ता ठायासी जैसे तो शहबाज शरीफ साहब थोड़ा जज्बाती नजर आया तवाजो ख्याल है जी ये जो पार्लियामेंट में अज सब आया पार्लियामेंट पार्टी इजलास घुराया वो है जारे यो एक क्राइसिस सामू आयो पे आईनी क्राइसिस सामू अची वो हो जैसे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब समरी वापस कई हो एतराज़ लगाए तो कौमी असेंबली जी जो नंबर है वो पूरा ना है वो पूरा करे वो प्रोसेस पूरा करे उनका पो कौमी असेंबली जो इजलास घुराया वो तो वो बेसिकली इलेक्शन कमीशन के मथा उन्होंने जो हो तो तुम फैसलो कर जो मखसूस सीटू रहल उन्होंने फैसलो कर जी इजलास यो थी पूरा थे नंबर पूरा थे इजलास शुरू थी सके हाँ इशू इनमें यो है इनमें कुछ ब राय अची वो हाँ जो कानूनी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यो तक याद हों तो ट्रांसमिशन का यो खो अचा पो यो मामलो तो हि एक प्रॉब्लम थी मखसूस सीटन जो
हाँ ऐसो एक आर्गुमेंट लॉजिक है आम मानू जो समझी सके तो सुन्नी इताद काउंसिल इलेक्शन पैं नाले ते न विड़ो उन्होंने जो अगवान हैं वो आजाद उम्मीदवार थी चूंड जी आया पैंजो पार्लियामेंट में सुन्नी इताद काउंसिल जो पसंद न कर पैं नाले ते इलेक्शन विड़न वरी अची वह हामिद रजा साहब असेंबली में एज ए आजाद उम्मीदवार हाँ चवन था सुन्नी इताद काउंसिल जॉइन कें तो ठीक थी वो वो कानून में जो गुंजाइश है उन्होंने राइट है हाँ वो चवन था न असा के हाँ मोट बया भी नवे मूँ अची वो मेहरबानी कर मुख्य हाँ बंदोबस्त कर मखसूस सीटन जो तो यह अड़ी सिचुएशन है जैसे जो खत भी हाँ यह गाल अज सामू आयो है इलेक्शन कमीशन खत दिखारो है जैमें सागे ही हामिद रजा साहब जी पार्टी के तरफा यो खत उत इलेक्शन कमीशन में जमो थो हो जैमें यो वो असाणी सीटू होंद ही को घर सीटू नी खन अस या नाला ना दे सूँ हर पार्टी जी इलेक्शन विणी है वहड़ो खत जमा कराई है लिस्ट जमा कराई है पैं मखसूस सीटन के उम्मीदवार से जो असें सीटू खपंद मिलंद अस खटी उन तनासुब के हिसाब से अस मखसूस सीटू अलट थी तो उन्होंने अस जरूरत ही ना है असि एतो सीटू थी को अस नाला जमा ही ना करूँ तेज कर हाँ यो तकरीबन क्लियर थी तो जो फैसलो महफूज थो है यो वाजे तौर से नजर अचे पो यो फैसलो सुन्नी इताद काउंसिल के खिलाफ ये मखसूस सीटू नून लीग पीपल्स पार्टी के अलाट थी वो बाजार जो आर्गुमेंट थो है जो बाजार सामू शन उन्हीं में अंदाजो लगा दुख ना है तो सुबह फैसलो अचे पो इन हिसाब से पीपल्स पार्टी जो सीटू वधंद एकड़ी सीट उन बदंद रिजर्व में औरतन जो सीटू भी उन्होंने वधंद सागे तरीके से नून लीग जो सीटू भी वधी वेंदू सो यह सिचुएशन जो है सामू आई है सुबह 10 बजे इजलास है उनका अगग में थी सके तो फैसलो बुधाय छदन या उन दौरान 10 बजे का अगग में 10 बजे का अगग में तमा समझो पाए तो पॉसिबिलिटी अब आया पर सुबाने फैसलो अची वो बाकी मानू खनी वठंदा हलफ ठीक है अच्छा ता के उनन जे फेवर में वीदे फैसलो नजर न पए वजे फ्याज साहब तहां जरे कल भी असि या डिस्कस कयूं पए आप तई मखसूस निशस्तु जे के सुन्नी इताद काउंसिल वारो मामलो हले पए इलेक्शन कमीशन में हां यो चयो त का तकलीफ अड़ी नजर न पई अचे उन फेवर में मामलो तक नजर अचे पर हाँ खत जो विच में आयो है यो केतरो दुखियाई में इन विझी सके पो वरी तक नजर अचे पी तो सिचुएशन क्योस की तरफ वधी सके पई क्योस तो मुल्क के अंदर एकड़े हवाले से को हवाले से मुकम्मल क्योस है क्योस इन हवाले से को पार्लियामेंट जो सुबह जो है यो ऐवान जो है कौमी असेंबली वो वजूद में अची वो जैसे सूबाई असेंबली वजूद में अची बल्कि चार ही सूबाई असेंबली वजूद में अची वन तो हाँ अस मसलो जो है वो क्योस के हवाले से यो तो जैसे असट पार्लियामेंट मर्कज में फंक्शन ला बई ऐवान अस पूरा उनसा बराबर जो चार ही सूबाई असेंबली पूरी हन वो फंक्शनल थी हुई उन वजूद रखन थी तो मतलब असो सिस्टम जो पार्लियामानी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो वो ऑपरेटिव वो माना सुभाने जो एकड़ो हिस्सों रहे तो वो कौमी असेंबली वो भी जैसे ऑपरेटिव थी तो उनका असो पार्लियामानी निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑपरेटिव थी वो तो ही शे का के भी किस्म जो इंपैक्ट न पई विझी सके जेकर उनके मखसूस निशस्तु न पियो मिलन त जेके पीटीआर बैक्ड कैंडिडेट्स आइन या जिन इलेक्शन खटी हुई पई उन ते के किस्म जो असर न थो पई जी सके या पीटीआर बट पो भी ता के ऑप्शन नजर अचे पयो न मां कल भी यो चो तो उन जला तरीकाकार यो थी सके थो जेको तो भई हु इलेक्शन कमीशन इन सीटन के वैकेंट करा दे इन के नए से जो पा वो करे पर जो इलेक्शन कमीशन जो मौसम साहब चो तो सुबह वो फैसलो इंदो दिसे तो छा तो फैसलो अचे पर एज सच वो को बहरान ना है को मुल्क के अंदर हाँ सुबह जैसे कौमी असेंबली ऑपरेटिव थी वी वजूद में अची वी उनका ये सीटों जो दिसो सुन्नी इताद काउंसिल जा जका बेसिकली जका पीटीआई आ पीटीआई तो इलेक्शन के हवाले से 183 180 सीटों की जो गाल कर थी अस सीटों असा पूरी हुई तो पीटीआई जो डिमांड्स वो तमाम घड़ी पर बुनियादी तौर से टेक्निकली स्पीकिंग तो जी सुन्नी इताद काउंसिल भी हाँ वाजे थी वही तो उन्होंने को भी मानू पार्लियामेंट पार्टी की असेंबली से इलेक्शन को विड़ो नंबर एक नंबर बी गाल तो खुद जो है उन्होंने का लिस्ट भी जमा को कराई हुई पीटीआई खुद जो है बहसियत पार्टी की लिस्ट जमा कराई हुई वह इन कर फंक्शन ना है छाकाण तो वह पार्टी की हैसियत में उन एक असेंबली से इलेक्शन विड़ी ही कान्हे का तेरे इन वक्त जो बुनियादी गाल ड्यूट है इलेक्शन के अमल में लाजमी हों ड्यू टाइम हों उन टाइम के अंदर नॉमिनेशन भरबा या वो लिस्टू जमा करा भी हुन सुन्नी इताद काउंसिल तोड़े पीटीआई
उन्होंने बिन्हीं वट अड़े किस्म की का भी वो ना है उनके जो उन्होंने टाइम से वो लिस्ट जमा कराई हुजन या वे औरतों जो नाला उन्होंने पौता हुजन उसे सजी जो मामलो आो टेक्निकली सुन्नी इतिहाद कौंसिल या पीटीआई के औरतों की सीटों के हवाले से एकड़ी सूरत में वो थी सके तो ये सीटू वैकेट करा दी वन जी कें भी सबन के करें कें भी किथे भी इलेक्शन नी सी कें भी तक से वह वरी पोन नयो शेड्यूल अनाउंस किया ये जैसे इलेक्शन कमीशन करे तो शायद सुनीत कौंसिल या पीटीआई लाइ ऑप्शन बचे ये सूरत में चूंडियल मेंबर्स हल्फ तो खयों पे पर जी ही शुरुआत थी मेंबर हुई सोबिया शाहिद साहिबा उन जूतो लोटो उछलो वो वरी घड़ी खड़ी कर सभी के दिखारी रही पर लोटो जूतो यो तमाम घो एक्सट्रीम ना आखिर सियासत में अड़े किस्म की रिवायत जो करें खत्म तवे नजर अचे पी या न जो पीटीआई जी गलत रिवायतों असि सोसाइटी में सियासी तौर पर विधियन उन्हें कंटिन्यू कह अचन पजा तई उन फख्र की निगाह से ऐसन था उन्होंने जो सोशल मीडिया से रवैयो है वो अजा तई सागो है तो वो सीखण ला तैयार ना ते कर पीटीआई जैसी तई सीखी न सियासत में वो मुख्य लगे को हिंसर फिलहाल न उनकी लीडरशिप भी सीखण ला तैयार है वो उही किस्म की सियासत कन था उही किस्म जो रव तैयार कन था सोशल मीडिया पर उन मू उन तुम अगवान उन बोली कड़ी था गलन जो इन अगवान मेजर अगवान जो हिंसर मरकजी अगवान उन्होंने बोली तुम ऐसो कड़ी गलन था टीवी स्क्रीन से अच्छी कड़ी बोली गलन था खबर ना पार्लियामेंट में अच्छी हाल कंदा उते कड़ी बोली गलन बराबर सुभाने जो की अजो की गर्जानी इन जी भी ताके इंदर डियन जी पिक्चर नजर न पई ते छा थन वने पयो छो त अजो ही एतरी भगत आयो कौमी असेंबली में सुल हलन रहन तो प्रॉब्लम तो पंजाबी असेंबली में लला उन पंजाबी असेंबली में छा कयो पंजाबी असेंबली में अच्छी उनन जड़े तरीके से शुरुआत कई उन्हें बाद जहर है अगे अगे दुर्ब चुप कर तो कौन वेंदी अज खैर सुठो मरियम नवाज शरीफ सुठो जेस्चर दिनो अज वही उनको आफ्ताब अहमद साहब हैं जो उम्मीदवार सीएम जहाँ पंजाब में हुआ जो उन्होंने वट व्यू हली आई उन्होंने वही गलूँ तो ये दिसो पार्लिमानी रवायत होंदन तुम मुखालफत कर सियासत कर सख्त में सख्त बोली इस्तेमाल कर पर तहजीब के न छो इतने महजब तो ना थन पीटीआई वा मुझे न समझ में अचे पीटीआई वा छो ना महजब थे उनका मसलो कड़ो है इनमें काफ़ी मूँ उन हिंसर मौजब रहा भी कोन तो इन के ये जो थो मुख्य औरत के मथा तुम जूता था उछला ठीक है बाकी शूँ हूँ ही पार्लियामेंट में इजाजत ना है पर मुझे समझ गाल स्पीकर साहब उन मूँ एक्शन छो न खो जिन जूता उछलाया जिन तुम बी गाल औरत एतजाज करे पी घड़ियों जो घड़ियों खड़ी एतजाज पंजाब असेंबली में थो तो एकड़ी औरत आए वो एमपी आए एकड़ो एतजाज करे पे घड़ियों खड़ी उन मतलब जूता उछलायो का ब्रेक वठौं ता खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जको कुछ थियो तमाम अफसोसनाक सूरत आली उनते असारी डिस्कशन हले पे ते शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है ब्रेक में बीयर हाजिर थियौं ता वेलकम बैक नाजरीन सो गुफ्तगु हले पई खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में गोड़ अनखा अगर मैं एसआईसी जे मखसूस सीट्स बाबत गाल बोल करे रहा से मौसम साहब ता उन में कुछ ऐड करन चाहो पए आई बियो ही गोड़ वाली सूरत ते त तमा पांजा रिमार्क्स दई छड्या पर फियाज साहब जेका वैकेंट सीट्स वाली गाल कई पए मखसूस नशिस्तन के वठी करे उन ते यूड लाइक टू कमेंट समथिंग जी मां जल्दी में तकड़ में कमेंट कर पहली गाल त यो औरत जे खिलाफ यो असेंबली में थयो हुई खराब है असनी ओवरऑल सोसाइटी माने ने इन गाल नतीजे पोतो आ त औरत दुश्मन आ है कुछ मानू उनमें चंगा हैं जो औरत की हिमायत कन था या औरत के वो हैसियत देन चाहन था लाहौर में जो वाक्यो थो ते सामू आए कि कल केपी में जो वाक्यो थो और खिलाफ मतलब छा मकसद समझन था औरत के ही अड़े किस्म जहाँ मानू अड़े किस्म माइंड सेट सो यो बड़ो बड़ो अफसोसनाक है खुदा करे ये वाक्य न थियन पर हाँ इनमें जो सीट वैकेंट की फैज साहब गाल गाल ठीक है तो उन सीट वैकेंट थी सकन थी पर प्रॉब्लम यो है वी पंजी सीट वैकेंट थे फर्क को पवो अच्छा पर प्रोसेस मुकम्मल थो प्रोसेस मुकम्मल थियणो है इन्हें ये सीटों ऐसो बे पास अलाट कर छ्यून सिंध में उन्होंने सीटों अलाट कर छ्यून सूबाई असेंबली में समूर सीटों अलाट कर एक छ्यून बाकी उन अलाट कर छ्यून को फर्क को पो सुप्रीम कोर्ट में वन तो पीटीआई पीटीआई से असर भी पवन ये अस्सी इक्यासी मूल उन्हें इन ही अपोजिशन में अची वा जो ऐलान कर चुका है मन उन्होंने एक्सेप्ट कर फैसलो असा सुबह ऐसो इंदा भी सही हलफ भी खड़ा और वो अची वह भी सही तो ये वी पंजी सीटों जो जो मामलो है यो हलो भी वो तो इलेक्शन कमीशन उन्होंने मेंबर दई छ पीपल्स पार्टी नून लीग एम क्यू एम जहाँ नंबर एक्स्ट्रा मूँ बया अची वा
उनके खिलाफ हो जैसे सुप्रीम कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसलों के खिलाफ अचे तो ये वी पंजी मूल डीसीट थी वा जो नवा इंदा उन्होंने जाए तो जो लिस्ट दींदा उन्होंने वो मूँ अची वा पर यो वी पंजी जो नंबर हलन पो इन इन में मुख्य नो लगे को पार्लियामानी प्रोसेस में फर्क पैजी वो जैसे वी पंजी नंबर मिसाल है वी पंजी नंबर उनको घट है पीटीआई जो उन्होंने उन्होंने एड भी कर वो तो प्राइम मिनिस्टरशिप की जो इलेक्शन है जो स्पीकर की इलेक्शन है डिप्टी स्पीकर इलेक्शन है उनको फर्क तो न पवो हूँ ही स्पीकर जो नंबर पूरा है डिप्टी स्पीकर नंबर पूरा है प्राइम मिनिस्टर जो नंबर पूरा है तेरे वी पंजी नंबर का फर्क न तो पे वो वैकेंट थे न थे पर मुझे मुझी पैं समझ जिका है वो आए तो ये वैकेंट न थी और सीट नहीं छिंदा जो छा ख्याल है जो मौसा पॉइंट ऐड किया है सीट्स वैकेंट थे के हवाले से यो भी गडोगड इन में थोड़ो ऐड कंदा हाल जो तो जेकर फैसलो खिलाफ अचे पयो तो महज उन जो इंपैक्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ते ही पंदो या पीटीआई ते भी वरी भांगे पजी सके तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ते सो कुछ आए को ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जेका है वो दरअसल पीटीआई जी पार्लियामानी सघ तें जेकर उन जो शिकल जेका है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल असल में जेका है वो पीटीआई आ तें करे बहरहाल इन ते हाने जेको है सुभाणे इलेक्शन कमीशन जो फैसलो दी खबर पजी सके थी उनका मतलब वो ओपिनियन एकरो मु शेयर के एकरो मौसम साहब शेयर के बाजार आपियो वे जको वाकी फैसलो जको इदो पर ये बई वे फॉरवर्डन या सीट होडे दे छदन या पजो पजो रीशेड्यूल कन पर उनका सवा बे को ट्रो ऑप्शन को ने वो डायरेक्टली सुनीतात काउंसिल के नथी मिल सके सही ठीक अच्छा फिर साहब अजो के ही केपी असेंबली में जेका सूरत हाल उन पे भी कमेंट करे वजो बियो ही एमक्यूएम जे मेंबर्स जा ऑडियोस लीक थन ता तमाम घणा वायरल भी थन ता तमाम बिनी खई सवाल दो फिया साहब तमाम पेर उन जो एनालिसिस इन ते दई वजो ता के छा मामलो आए एमक्यूएम जा मेंबर्स जानन पया त इहो एमक्यूएम लंदन मा साजिश कई वने पई उन जे खिलाफ गडो गड हु चंदा त इन ऑडियो लीक्स के टोड़े मरोड़े पेश कयो वने पयो जेमें जाली मैंडेट जी उन जी गाल करी करे कई वने पई कल मुस्तफा कमाल साहब जो ऑडियो मंजरियाम ते आयो अज एलिजिडली मुबैना तौर ते गवर्नर सिंध जो ऑडियो भी लीक थी चुको आहे जसो मुस्तफा कमाल साहब जो तो वीडियो मैदान ते आयो होयो जी वीडियो और उन जी हुन तस्दीक कई आ हुन चो तो बिल्कुल हुन राबता कमेटी के ब्रीफिंग देनी पई हुन चो तो जो लंदन जे कै जो उर्दू में टर्म इस्तेमाल कयो घुस बैठिया जो है उन्हीं जो कमाल आ पर मसलो यो आ लीक कहें कई कहें ना कई उनका वड़ी इंपॉर्टेंट गाल यह है तो एमकेएम जेका हेतरो वड़ो पंजो पान के समझे पई तसन वड़ो मैंडेट आ पर हु जरे ब पार्टियों यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग हुकूमत साजी ला पंजो उन जे विच में गालियों थियो इन उन जो नंबर पूरो थियो आ त मुत्तहदा कौम मूवमेंट के उन्होंने एकरो आइनो दिखायो आ त भई तहां जी हन वक्त पोजीशन आ हालांकि मैंडेट मुत्तहदा कौम मूवमेंट जो अगे भी जो हों जो बानी से गड हों तें दौर में भी हि जबर के थ्रू बुलेट के थ्रू बैलेट से कंट्रोल कह हाँ जो है एक पर्ची के तहत वो मिलो पर जो जो उन पान भाई असो पर हाँ मुत्तहदा कौम मूवमेंट लाइ फितकण का सवा भी ऑप्शन को मुत्तहदा कौम मूवमेंट लाइ जी उनके बुधायो पे मुस्तफा कमाल राबता कमेटी के असें वाजे तौर बुधा वजीर अजम चूंड तोड़े सदर की चूंड के लिए तहे वोट की का अहमियत ना असा नंबर पूरा जैसे अचो तो तकड़ी जो है आईटी की मिनिस्ट्री दूं था जे नात वधिक तां जे ग्राम पुलिस में जाण चाहो हां जो रात ठीक मौसम साहब एमकेएम जो शर्तों वधिक आइन या ही पाण आणे लेफ्ट आउट तमाम घणो महसूस कन पया ए ही जे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आ नू लीग या पीपल्स पार्टी हुनन ही इनन के साइड ते रखी छड्यो आए ये साइड ते रखनो बदो जो के ट्रे शर्तों आइन में तरमीम वारियो तमाम सख्त शर्तों होयो ओ सिंध आ पीपल्स पार्टी कने ब तस्लीम न करे हा ए खुद नू लीग ला दुखियो थी वने हा उनन ते अमल दरामत करण जे में बाजारदा तौर ते अलग सुबह जी गाल कन पया अलग सुबह की गाल आइन में तरमीम कराओ चवन पाई असा के कराए दियो तो जहर वो केर मने हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी तो अफोर्ड नथी करे सकन पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल नथी करे सके नून लीग भी नथी करे सके हालांकि उनको स्टेक सिंध में एतरो ना है पर पो बोलो तमाम पॉलिटिकली असर पवे है वो मसलो थी वने इन करे एमक्यूएम हाँ या पीपल्स पार्टी या नून लीग जो फैसलो किया उन जाहिर उन नंबर से फर्क तो न पवो अचन चाहन था तो बिल्कुल अचन ना चाहन था अपोजिशन पीपल्स पार्टी नून लीग के एमक्यूएम जे ना वोट की जरूरत है ना ही एज अ पार्टी उन की जरूरत है बिल्कुल
ठीक है। सो नाजरीन ही हुए रखो प्रोग्राम फ्याज साहब आई मौसम साहब तामिरी जी वही मेहरबानी नाजरीन मूडीज की रिपोर्ट अची वही है हूँ चवन था पाकिस्तान में मुआशी सुधार लाए नई इतिहादी हुकूमत जो मैंडेट मजबूत ना यानी काफ़ी चैलेंजेस के मुंह दियण पव जो हाँ इंदड़ हुकूमत होंगी। सो इन बे असि सुबह खर डिस्कशन कदे तो जी इंदड़ हुकूमत है जी ठहन वे पी ऑलमोस्ट पे उन फाइनल राउंड है सुबह कौमी असेंबली जो इजलास है मामला तमाम घना क्लियर थी वा खबर पेजी वी तो केर वजीर आजम है घने भांगे जो ये चूं तो डायरेक्शन रुख हैं वे शहबाज शरीफ साहब की तरफ ही वन था। सो बहरहाल केतो डुख रो इनशाला सुबह गाल बोल कदी तेसी तीन असा इजाजत अल्लाह हाफिज़।